Hey guys, Assalamualaikum. Welcome back to the channel. This is Sameer and you're watching MSQ Vlogs. So guys, आज बारिश बंद है, लगभग ना के बराबर है. तो आज मैंने सोचा कि फिर एक मोटा व्लॉग करें. बारिश की वजह से क्या होता है प्रॉब्लम के मोबाइल जो कैमरा जो है ना, इसके अंदर अगर हम लोग माइक लगाते हैं ना, तो माइक जो है वो फिर वाटर जो कैमरा जो है ना वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं रह जाता है, क्योंकि माइक के लिए एक जो है ना उसका एक ढक्कन टाइप एक चीज़ रहती है, उसके ऊपर जो टॉप रहता है वो निकालना पड़ता है. तो उसकी ये चीज़ ख़त्म हो जाती है कि वो वाटर रेजिस्टेंस नहीं रहता है. तो मैंने रिस्क नहीं लिया, इतने दिन से बारिश हो रही थी तो आज बारिश नहीं है, तो सोचा चलो जहाँ तक बारिश नहीं मिलेगी वहाँ तक तो मोटो व्लॉगिंग थोड़ी सी कर ही लेंगे. तो अभी मैं निकला हूँ भिवंडी के लिए, ठीक है. शायद भिवंडी जाऊँगा अपने शफीक भाई के यहाँ पे, उसके बाद फिर और दूसरी जगहों पे जाना है. घूमेंगे थोड़ा आज आपको भिवंडी शायद इंशाल्लाह एक्सप्लोर कराएंगे. कोशिश यही रहेगी कि आपको भिवंडी एक्सप्लोर कराए. क्या हवा है, बाप रे बाप, गाड़ी वन साइड जा रही है, वन साइड बहुत स्लो चलना पड़ता है भाई. इसको बोलते हैं विंड ब्लास्ट. एक झटका लगता है हवा का और गाड़ी हिल जाती है पूरी. तो भाई आराम से चलो, ब्रिज वगैरह के ऊपर. क्लाइमेट मौसम तो बारिश का बना ही हुआ है, ठीक है. जैसे ही बारिश होगी वैसे ही वीडियो बंद करके दूसरे कार्यक्रम चालू कर देंगे अपन. अभी मैं ना मेरा जैकेट का जिप लगा देता हूँ, क्योंकि मैं सुपरमैन हो गया हूँ, इतना जोर से मेरा जैकेट उड़ रहा है. और मैंने कल ही ये लिया हूँ विंडशीटर, क्योंकि पुराना वाला जो था वो सब खराब हो गया, तो कल नया ही लिया हूँ. अब ये फड़फड़ाता रहेगा तो ये भी फड़फड़ करते फट जाएगा. अभी मैंने जहाँ से वीडियो शुरू किया था वो था हमारा फ्रीवे का जो एग्जिट है गोवंडी के लिए, वहाँ से पहले घर से निकला, बच्ची को स्कूल छोड़ा, उसके बाद फिर मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया. अब पहुँचा हूँ घाट के ऊपर, ठीक है. देखते आगे मौसम कैसा है और ट्रैफिक कैसा है. सबसे मेन इस रास्ते पे जो चीज़ मायने रखती है वो है ट्रैफिक. हम लोग सुबह जब घर से निकलते हैं तो सभी का रूट लगभग सेम होता है, हमारे दोस्तों का इस तरफ का भिवंडी पड़गा का, सब एक दूसरे को अपडेट देते रहते हैं, भाई इधर बहुत ट्रैफिक है, इधर बहुत ट्रैफिक है, इधर कम ट्रैफिक है, इधर से आना उधर से आना, ऐसे करके. और मुंबई है यार, मुंबई में ट्रैफिक नहीं होगा तो कहाँ होगा. देखो बारिश शुरू हो गई है तो मुझे तैयारी करना पड़ेगी. कैमरा मैं बंद करता हूँ और कैमरे पे पैकिंग लगा देता हूँ, ठीक है. आगे कहीं साइड में गाड़ी लगाते हैं, पहले तो मैं अपने आप को पैक करता हूँ, फिर कैमरे को पैक करता हूँ. जब तक जहाँ तक हो सके वहाँ तक आप लोग देखो, व्यूज़ एंजॉय करो, मौसम एंजॉय करो, है ना. और मौसम तो बहुत मस्त हो गया यार. गाइस स्टार्टिंग में ही बोलूँगा वीडियो के, आप लोग वीडियोस देखते हो ना प्लीज़ कमेंट करो यार, कैसे लग रहे हैं वीडियो, क्या आपको मतलब ऐसा लगता है कि मुझे इन सब वीडियोस के अंदर इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, कुछ कमी है तो वो बताओ, ठीक है. हाँ गाड़ी ये सब छोड़ के कि गाड़ी दूसरी लो ये अगर बोलोगे तो आप वो अभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो उसको छोड़ कर आप दूसरा मुझे जो बोलोगे वो मैं इंशाल्लाह ट्राई करूँगा. देखो आगे बारिश है, मतलब लोगों का कार्यक्रम चालू है, तो अभी क्या करें, थोड़ा सा ही वीडियो बना, ठीक है. जहाँ तक बारिश होगी वहाँ तक अपन कैमरे को बंद रखेंगे, और जहाँ बारिश बंद होगी वहाँ कैमरे को चालू करेंगे. अभी फ़िलहाल मैं इसको ऊपर से
चड्डी पहना देता हूँ, है ना, वाटरप्रूफ वाली, ताकि बारिश से इसको कोई नुकसान ना हो। 2 साल से ख़रीद के रखा था भाई, इतनी जल्दी तो उसको नुकसान होने नहीं देंगे। कोशिश करेंगे प्रोटेक्ट करने की हर तरह से। छोटी छोटी बूंदें कैमरे पे जमा हो गई होगी आप लोगों को, वो भी व्यू बहुत अच्छा आ रहा होगा, है ना। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा लेफ्ट में गाड़ी और उसके बाद, अरे यार ये मिरर सेट नहीं है, लेफ्ट में लगाता हूँ, रेनकोट को सही से पहनता हूँ, उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ। तो गाइस अभी महापोली पहुँचा हूँ, मानकोली। ये वीडियो अभी जो मैं बना रहा हूँ ये मेरे मोबाइल से बना रहा हूँ, S22 अल्ट्रा से, क्योंकि ये कैमरे को मैंने पूरा कवर किया है। और जो घाट के ऊपर के बाद से जो बारिश मिली है ना गाइस, वो बंद ही नहीं हुई है, तो सोचा कि आपको एक अपडेट दे दूँ कि बारिश बंद नहीं हुई है और मेरा सफ़र भी चालू ही है, सफ़र भी बंद ही हुआ है। तो इंशाल्लाह अभी जाएंगे शफीक भाई यार के गोट फार्म पे, उसके बाद जाएंगे छोटे मियाँ गोट फार्म पे, कुछ वीडियो वगैरह भी है वो बनाएंगे, ठीक है। तो मैं भी आपको डायरेक्ट AR के गोट फार्म पे मिलूँगा और इसी के साथ ये वीडियो को वहाँ पे क्लोज करूँगा इसी कैमरा से, क्योंकि ये कैमरा मोटो व्लॉगिंग करने का टाइम अभी नहीं है, क्योंकि बहुत ख़तरनाक बारिश है। और आप व्यू देखो, पाइपलाइन रोड पकड़ा हूँ क्योंकि हाईवे पर थोड़ा सा जाम था, तो पाइपलाइन रोड पर घुसा हूँ अंदर। यहाँ से भी सीधा वो तालाब से होके, फाटक से होके सीधा मैं निकल जाऊँगा भिवंडी के लिए, ठीक है। भिवंडी के बहुत करीब आ गया हूँ, लगभग भिवंडी में एंटर कर चुका हूँ, अगर मैं ये बोलूँ तो गलत नहीं होगा, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं AR के गोट फार्म पे इंशाल्लाह। तो भाई अभी भिवंडी के अंदर एंटर किया हूँ, रास्ते देखो आप लोग, ये देखो माशाल्लाह गाड़ियाँ जैसे झूला झूल रही है, देखो इतना चैलेंज फेस करके आना पड़ता है टूर के लिए। ये गली में पानी देखो आप लोग, घरों के पास पानी भर गया है। और ये इस तरीके से अभी जो मोबाइल है, मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ मैं, ठीक है, तो थोड़ा वॉइस वगैरह को मैं एडजस्ट करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे कई गड्ढे पार करके मैं अब आके साइड में खड़ा हुआ हूँ, सोचा था थोड़ा रिलैक्स कर लूँ फिर उसके बाद आगे बढ़ूँगा। अब डायरेक्ट AR के गोट फार्म पर मिलते हैं। इन्होंने रोके गाड़ी, बोले मुझे भी वीडियो में लो, ऐसा कैसा चलेगा। चलो ठीक है। तो अभी लोग भी शिकायत कर रहे हैं कि ऐसा कैसा चलेगा। तो गाइस अभी ये जो वीडियो देख रहे हो, अगर कोई ऊंचे लोग हैं जो देख सकते हैं और कुछ कर सकते हैं वो लोग करो यार, बहुत दिक्कत है, रोड एकदम ख़त्म। बाजू में बिल्डिंगें अच्छी बनी हुई है, सब सोसाइटी अच्छी बनी है, लेकिन सोसाइटी के रोड देखो आप लोग, सोसाइटी के बाहर के रोड, यहाँ ये सारी चीज़ों से डेवलपमेंट पे भी बहुत असर आता है, सेल वगैरह पे भी बहुत असर आता है। लोग घर खरीदने से पहले बहुत सोचेंगे कि यहाँ के रोड ऐसे है तो घर कैसे ख़रीदा जाए, आने जाने की कोई सुविधा नहीं है, प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करो आप लोग, ठीक है। चलो मिलते गाइस, पहुँच गया हूँ AR के गोट फार्म पे। और इस फार्म की बात ये अच्छी है कि ये एकदम रोड टच है, इस तरफ से आ जाओ या कहीं से भी आप पड़गा साइड से आ जाओ, ये रोड पे टच है। ये कांटा है भिवंडी वेइंग ब्रिज, और ये पूरी बिल्डिंग भी अलहमदिल्ला हमारे शफीक भाई की, और उसमें जो सेकंड फ्लोर ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा फार्म का सेटअप है AR के गोट फार्म का। इनके बकरे फलोदी में भी ये लोग तैयार करते हैं साल भर, और फिर सुबह के टाइम पे बेचते हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ पे अपने बकरे पलाई पर दे सकते हो, अच्छी पलाई है, अच्छा रिजल्ट देते हैं, लिमिटेड बकरे पालते हैं और अच्छा फोकस करके बकरों को तैयार करते हैं, ठीक है। ये भिवंडी सिटी का मेन रोड है, ये आपको भिवंडी से कनेक्ट करता है मानकोली से, और ये मेरे साइड इस तरफ से आओगे तो मानकोली से आओगे, और मेरे बैक साइड से आओगे तो ये पड़गा से और निज़ामपुरा भिवंडी से आने वाला रास्ता है ये, ठीक है। सामने AR के गोट फार्म, वीडियो को क्लोज करते हैं गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और कमेंट करके बताइए कि हमारी जो मेहनत है वो आपको कैसी लगती है। देखो बारिश का फ्लो, देखो पानी का फ्लो, बारिश इतनी तेज़ है कि आप अंदाज़ा लगा ही सकते हो, ठीक है।
मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।